हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संदीप प्राइम मंडल और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल एक्सप्लोरिंग एसएमएन फिशिंग। दोस्तों, मैं आ चुका हूं एक गांव में और यहां से मैं जाने वाला अभी रिवर विजिट करने वाला हूं। तो रिवर से जो है मैं बहुत सारे स्टोन्स, प्लांट्स एंड सिकलेट्स के लिए काफी सारे व्हाइट सैंड्स एंड उसके बाद ड्रिफ्ट टूर अगर हमें रिवर शोर में मिलता है तो वो भी कलेक्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं और अभी जाने ही वाला हूं, तो मेरे साथ बने रहिए और देख लेते हैं कि हम लोग क्या क्या कलेक्ट करते हैं और क्या मैं यहां से लेकर चलता हूं। तो चलिए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस निकल चुके हैं एंड देखते हैं आगे आगे क्या देखने को मिलता है। तो हम लोग जा रहे हैं बिल्कुल खेतों के बीच से, बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। एक एक करके आपको सारी चीजें दिखाता हूँ। नींबू देखो दोस्तों, वाओ। तो ये ऑन द वे में हम जब जा रहे ना तभी मिला, एक तोड़ी लेता हूँ मैं। देखा कितना मस्त है ना। सही में यार, नींबू और पूरा ये नींबू का बागान है, बहुत जबरदस्त है। तो मैं जो जा रहा हूँ ना, इधर बैगन की खेती है और इधर नींबू की खेती है, तो दोनों तरफ और बीच में से जा रहा हूँ। इतना अच्छा लग रहा है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। रुको, ये देखो, उनको देखो, वो आगे जा रहे हैं तो वो मेरा मदद करेंगे सामान कलेक्ट करने के लिए। तो इस तरीके से हम जा रहे हैं, इतना प्यारा लग रहा है। एंड आज थोड़ा धूप भी कम है इसलिए मैं ड्रोन लेकर नहीं आ रही, तो मैं आपके ड्रोन का शॉट लेता हूँ, नेक्स्ट टाइम आकर डेफिनेटली लूंगा। वाओ, क्या साइज है यार, और क्या नींबू के पेड़ है। वाओ, नींबू का बगान खत्म ही नहीं हो रहा है, मतलब इतना मजा आ रहा है ना, क्या बोलूं। तो गाइज, मैं यहाँ से होकर आया हूँ वो अंदर से, और ये जो है पूरा मसूर की खेती है, मसूर दाल की खेती। वाओ, दिखाता हूं आपको। ये देखो, पूरा मसूर दाल की खेती है और अभी ये जो है मतलब उग रहा है, अभी तक बड़े नहीं हुए। तो ऐसा होता है प्लांट, मैंने तो पहली बार देखा यार। देखो पूरा मसूर दाल की खेती। गाइज, इस वीडियो के साथ बने रहिए क्योंकि रिवर पहुंचते पहुंचते मुझे लगता है मैं आप लोगों को बहुत कुछ दिखा सकता हूँ, शायद, पता नहीं। देखिए यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ना कटका है, ये सारे हमारे यहाँ पे राइस प्लांटेशन था, तो अभी इनको पूरा काट दिया गया है, सब लेकर गए हैं, तो उनका राइस निकाला जा रहा है फिलहाल। तो ये पूरा राइस प्लांटेशन था इधर, देखो पूरा इन लोगों ने काटा हुआ है अभी रिसेंटली। एंड ये बहुत ही बड़ा बेर का पेड़ है, वहाँ पक भी गए थोड़े थोड़े। ओ माई गॉड, देखिए कितना लगा हुआ है एंड थोड़े थोड़े रेड भी है ना, दिख रहा है आप लोगों को। माय गॉड, भरा पड़ा है। इसको ना ऐसे पकड़ नहीं सकते क्योंकि इसमें बहुत कांटे होते हैं, लेकिन ये देखिए ना, देखता है खाकर, कच्चा है। एंड यार, गांव की बात ही अलग है। ये देखो कुछ ऐसा बनाया गया है जहाँ पे लोग ऊपर चढ़ के पिकनिक मनाते हैं, टाइम पास करते हैं। मेरे को ऐसा घर बहुत पसंद है। रिवर और कुछ ही दूर है दोस्तों, एंड होपफुली बहुत सारे हम लोग प्लांट्स वगैरह कलेक्ट कर पाएंगे, स्टोन्स तो डेफिनेटली कलेक्ट कर ही पाएंगे। चलते रहिए आगे। यहाँ पे शायद पानी है, इसको क्रॉस करना पड़ेगा। अरे यार, ठंडी के मौसम में। एंड फाइनली रिवर इधर ही है। वाओ, क्या तो लग रहा है। ओ माय गॉड, बहुत प्लांट्स दिख रहे हैं, दिखा था आप लोगों। वो देखो दोस्तों रिवर, एंड वहाँ पे स्टोन्स फुल होंगे एंड प्लांट्स दूर से मुझे बहुत कुछ दिख गए हैं, सामने जाकर दिखाता हूँ आपको। मैं ना फिशिंग नेट भी लेकर छोटा वाला श्रिम्स पकड़ने के लिए, देखना है ना यहाँ पे कैसे श्रिम्स मिलते हैं। और हाइड्रिला तो मुझे इस बार बहुत सारा कलेक्ट करना है अपने एक्वेरियम के लिए। तो गाइस, ये भी रिवर का एक पार्ट है मतलब, तो यहाँ पे पानी पूरा साफ है, मैं दिखाता हूँ आपको सामने से। एंड ये सब देखो ना, ये तो पता नहीं कि क्या है, मैं तो ये लेने वाला भी नहीं हूँ। यहाँ पे वाटर हाइसिंथ तो दिख गए बहुत ज़्यादा है, एंड ये यहाँ से जाकर आगे की ओर कनेक्ट होता है। वाओ, क्या ब्यूटीफुल नज़ारा है यार, आगे चलता हूँ दिखाता हूँ। तो फाइनली पहुँच चुका हूँ रिवर के सामने और बहुत प्लांट्स दिख रहे हैं, मैं भी आप लोगों को दिखा देगी करके। एक तो स्टोन्स यहाँ पे आपको कैसे साइज के चाहिए, सारे साइज मिल जाएंगे, तो बड़े वाले स्टोन्स लेना। यहाँ पे ग्रीन कलर के स्टोन्स भी है, वो देखो ग्रीन ग्रीन वाले, वो तो मुझे लेना ही पड़ेगा। बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन हैं यहाँ पे, तो उठाऊँगा वो। यहाँ पे डकवीड भी है, और यहाँ पर आपको ये एक और प्लांट दिख रहा है, मैं ज़ूम करके दिखा रहा हूँ। ये पता नहीं कौन सा वाला है, बहुत मतलब इसमें गंदगी है, लेकिन इसको साफ करेंगे तो पूरा साफ हो जाएगा अंदर, बिल्कुल पानी के अंदर वो प्लांट आपको दिख रहा है। एंड देन यहाँ पे डबल स्पॉटेड बाब दिख रहा है मुझे, आपको दिख रहा है क्या, ध्यान से देखना। देखो देखो, डबल या सिंगल बहुत सारे हैं यहाँ पे बाब, तो प्रोबेबली ट्राई करूँगा इसको पकड़ने के लिए। तो देखो, ये प्लांट का नाम पता नहीं चल रहा है मुझे, बड़ा प्यारा है एकदम, पानी के अंदर उगता है ये देखो। तो फिलहाल ये इस तरीके से दिख रहा है, लेकिन आप अगर अच्छे पानी में रखोगे तो एकदम ग्रीन, आई थिंक, पता नहीं जो भी कलर का। तो ये मैं बहुत सारा लेकर जाने वाला हूँ। एंड डकवीड यहाँ पे, ये वाला गोल वाला डकवीड दिख रहा है मुझे, मतलब मेरे पास जो है वो थोड़ा अलग है, ये थोड़ा अलग है, आई थिंक ये मैं लेकर जाने वाला डकवीड, बहुत सारे यहाँ पे।
गाइस क्या ये जावा फर्न है? समझ ही नहीं आ रहा, देखो कितना प्यारा है। और ये मतलब एक्चुअली पानी में ही है, लेकिन यहाँ पे पूरा ये रिवर का पानी इधर चला गया, लेकिन आई डोंट नो ये क्या है, एकदम जावा फर्न जैसा लग रहा है। बापरे ये क्या हो सकता है गाइस? देखो आई थिंक मैं, ओ माय गॉड ये क्या है? किसे कुछ आइडिया है क्या ये क्या है? इसमें क्रैब्स है क्या नीचे, और वो ऐसा कर रहे हैं? ओ माय गॉड दिस इज़ वियर्ड, मतलब मेरे को बड़ा ही अजीब लगा ये देख के। रिवर में बहुत जगहों पे हो रहा है ऐसा, एंड असम में काफ़ी फेमस है ये मछली पकड़ने के। बाकी कुछ ऐसे यहाँ पे बहुत सा रखा है, आई थिंक लोग यहाँ पे रोज़ मारते होंगे फिश, तो इसलिए यहाँ पे ये रख दिया, अभी सूख रहा है ये सारा धूप में। एंड यहाँ पे स्टोन्स का भंडार है, देख लेता हूँ क्या ले सकता हूँ मैं यहाँ से। गाइज यहाँ पे पूरा डकवीट का भंडार है, मुझे तो नहीं चाहिए, मेरे पास बहुत है, बट बहुत है। एंड दिखे ये कुछ नए प्लांट्स जो ऐसे फ्लोट कर रहे हैं, बहुत ही प्यारे हैं। इनका नाम अगर आपको पता है तो बताना, लोटस जैसा दिख रहा है लेकिन लोटस तो है ही नहीं और ना ही वाटर लिलीज है, बट बहुत ही प्यारे हैं। तो इनका मैं कुछ बंच लेके जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इनको बो देंगे सॉइल में तो फिर ये अच्छे से ग्रो करने लगेंगे बहुत ज़्यादा। मतलब सपना पूरा हो रहा है, देखो हाइड्रेला का बहुत ही बड़ा बंच मिल गया मुझे सही में। एंड मैं इनको क्लीन बहुत करना पड़ेगा, वाह। ये सब जगह पे अगर ध्यान से देखो ना तो वाइल्ड मॉलीज वगैरह फिश यहाँ मिल सकते हैं, पर टाइम ही नहीं है, बहुत जल्दी जल्दी करो, नेक्स्ट टाइम आकर देखूंगा। एंड नाउ ये सैंड, जो बिल्कुल सैंड और इतना क्लियर सैंड है, यहाँ से मैं ये पूरा वाइट सैंड उठा रहा हूँ और बहुत ही बढ़िया वाला है। तो यहाँ से कम 10 kg तो मैं लेकर ही जाने वाला हूँ। तो इस तरीके से उठाकर ऐसे हम बैग में डाल रहे हैं, यहीं पे वॉश कर लेंगे और इसको जाके वैसे भी अच्छे से मैं वॉश करने ही वाला हूँ और डिसइंफेक्ट करूँगा ही। गाइस मैंने इतना कुछ कलेक्ट कर लिया, मतलब वीडियो करने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं था क्योंकि अभी जल्दी जाना भी है और कैमरे में भी चार्ज बहुत कम है, तो मैं दिखा दूंगा आपको क्या क्या कलेक्ट किया है। बहुत भारी हो चुका है सैंड, तो मैंने कम से कम बहुत ज़्यादा मतलब सैंड कलेक्ट कर लिया। अभी स्टोन्स कलेक्ट करेंगे एंड जाएंगे और फिर आपको दिखाऊंगा कि मैंने क्या क्या कलेक्ट किया, ठीक है। गाइस अभी कलेक्ट करें स्टोन्स, देखो कितने प्यारे प्यारे कलर के स्टोन्स मैंने कलेक्ट किए हैं, यहाँ पे रखता हूँ ये सब सिकलेट्स के लिए। ओ वाओ कितना प्यारा है। ओ यहाँ पे एक स्टोन देखो, इसमें स्नेल है, कितनी प्यारी स्नेल है यार, वाओ। यहाँ पे डाल के देखता हूँ इसको, ब्यूटीफुल यार सच में, कितनी प्यारी स्नेल है। एक्चुअली यहाँ पे पानी का फोर्स भी थोड़ा सा है, तो हम लोग बहुत सिलेक्टिव स्टोन्स कलेक्ट कर रहे हैं, जैसे इतना हमने किया है फिलहाल और भी देख लिया हमें। यार क्या तो कलेक्शन से स्टोन्स के, लेकिन कैसे लेकर जाऊँ? ये देखो डबल लेयर्ड, ओ माय गॉड ये लेने का मन कर, लेकिन इतने बड़े बड़े कैसे लेकर जाऊँ यार, वही तो प्रॉब्लम। मतलब कार लेकर आए हैं बट स्टिल यहाँ से लेकर जाने में भी तो मैंने इसको ले ही लेता हूँ यार, कैसे भी ले लेंगे। एंड ऐसे स्टोन्स अगर हम लेंगे ना तो आप इस तरीके से जो है बहुत कुछ डिज़ाइन कर सकते हो। देखो यहाँ पे तो पानी के फोर्स से रुक नहीं रहा है, बट एक्वेरियम में रखो या सिकलेट्स के लिए रखो, कितना प्यारा लगेगा। आई जस्ट गॉट एन अमेजिंग वन, वाओ। तो गाइस फाइनली डन, और मैंने बहुत ही सिलेक्टिव स्टोन्स उठाए हैं, पतले पतले आप देख पा रहे हो एकदम पिरामिड साइज वाले, और बाकी बड़े वाले मैंने यहाँ पे छोड़ दिए क्योंकि बहुत ज़्यादा भारी हो रहा है। ये भी यहाँ पे छोड़ दिया मैंने, एंड नीचे इसको भी मैंने फेंक दिया है। तो इतना लेकर चलते हैं, उसमें पूरा हमारा सैंड है जो मैं आपको जाकर दिखाने वाला हूँ, और उसमें हमारा पूरा प्लांट्स है, बहुत डिफरेंट वैरायटीज ऑफ प्लांट्स, तो अभी चलते हैं। तो गाइस हो चुका है ऑलमोस्ट 2 घंटा यहाँ पे स्पेंड किया, बहुत कुछ कलेक्ट किया हम लोगों ने, एंड अभी जाना है, बहुत ज़्यादा भारी हो चुका सारा सामान, चलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं क्या क्या हमने कलेक्ट किया है। हे गाइस जस्ट आया और थोड़ा फ्रेश हो गया, आप लोग को प्लांट्स दिखाऊंगा, लेकिन प्लांट्स दिखाने से पहले मैं आप लोग को एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखा देता हूँ। ना
तो गाइस ये सब सामान जो मैंने कलेक्ट किए हैं और आप लोगों ने देख ही लिया, वैसे तो यहाँ पे मैं आपको दिखाया था अच्छे से, ये है हमारा सैंड जो मैंने रिवर से कलेक्ट किया है, वाइट सैंड, अभी पूरा वाइट मतलब दिख नहीं रहा है क्योंकि सूखा नहीं है, पानी है इसमें और बहुत क्लीन है, तो इसमें काफ़ी बेनिफिशियल बैक्टीरिया भी होगा, फंगस भी होगा, तो मुझे ये डिसइंफेक्ट करना ही पड़ेगा घर लेकर जाकर। एंड देन यहाँ पे प्लांट्स तो बहुत ज़्यादा प्लांट्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे वैरायटी के प्लांट्स हैं, तो ऊपर की ओर आप जो देख रहे हो सारे के सारे फ्लोटिंग प्लांट्स हैं, तो उसका नाम मुझे पता नहीं, इसके नीचे हाइड्रिला है, उसके नीचे और भी कुछ प्लांट्स हैं जो मैंने आप लोग को दिखाया था, कुछ रेडिश कलर के भी प्लांट्स हैं, तो इन सबको जब मैं निकालूंगा ना तो आपको अच्छे से दिखाऊंगा, ठीक है। एंड यहाँ पे बहुत सारे हमारे स्टोन्स मैंने कलेक्ट किए हैं पिरामिड टाइप के, बहुत कलरफुल है, आप देख सकते हो ग्रीन है, फिर पर्पलिश कलर का है, ऑरेंजिश है, उसके बाद रेड कलर के भी है स्टोन्स, आप देख ही पा रहे हो। तो गाइस खाना वाना सब खा लिया, आप लोग को दिखा दिया कि किस तरीके के चीज़ मैंने कलेक्ट किया है, और जैसा जैसा मैं सोच के आया था बिल्कुल वैसा वैसा हुआ, तो बिल्कुल हैप्पी हूँ, अभी बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, मैं भी सो जाता हूँ। एंड दोस्तों बताना कि कैसा लगा आपको ये व्लॉग, तो दोस्तों ज़रूर बताना, कमेंट ज़रूर करना और फीडबैक ज़रूर देना। एंड यस अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए बाय, टेक केयर, और नए कुछ वीडियोज़ लेकर जल्दी वापस आता हूँ, बाय।